सामने से कोई तो गया है, सामने से कोई तो गया है, मैंने देख लिया, मैंने देख लिया, मेरे से तू छुप नहीं सकता, मैंने देख लिया कि इधर कोई तो। वेलकम टू अनदर हॉरर गेम प्ले। मैं तुम लोगों को इस गेम के बारे में एक चीज बोलना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने अभी तक जितने भी हॉरर गेम खेला है उनमें से ये सबसे अलग है, क्योंकि इस गेम का जो डर है वो भाई मैं कभी भूल नहीं सकता। सबसे मेरे ख्याल से हॉरर गेम आज तक का यही है, और इस गेम का नेम है हॉरर हॉस्पिटल 2। और तुम लोगों को पता है कि वैसे ही रियल लाइफ में भी हॉस्पिटल का माहौल थोड़ा सा डर डर सा होता है, और इस गेम का नाम तो है हॉरर हॉस्पिटल। अब समझ लो कि ये सीन कैसा होने वाला है और ये गेम कैसा होने वाला है हॉस्पिटल के अंदर। कुछ दिनों पहले की बात है, जिसका नेम है मेलिसा। कम ऑन वेल्टर, लेट्स गो आउट ऑफ दिस डैम्ड प्लेस। ओके, अभी कोई चैप्टर तो चालू होने वाला है। ब्रिंग ब्रिंग, मतलब रिंग हो रहा है फोन का। ओके, हाय वॉल्टर, हाउ आर यू? थैंक्स मेलिसा, आई एम वर्किंग ऑन माय न्यू पेपर। ठीक है, आई एम फाइन, एक्सपेक्ट नाइटमेयर्स। आई सी नाइटमेयर्स एवरी नाइट। यू आर गोना बी फाइन, आई ट्रस्ट यू। आई डोंट थिंक सो वॉल्टर, आई कांट फॉरगेट व्हाट वाज हैपेंड टू यू ऑन हॉस्पिटल। आई कैनॉट बी ओके अंटिल फिगर आउट व्हाट हैपेंड ऑन द नाइट। ओके, मेलिसा किसी लड़की का नाम है जो कि शायद से हॉस्पिटल में काम करता है, और उसके साथ अभी कुछ नाइटमेयर हो रहा है। मतलब उसको थोड़ा सा हॉस्पिटल में कुछ तो गड़बड़ जैसा लग रहा है, उसको डर लग रहा है एक्चुअली। तो ये और जिसके साथ बात कर रहा है उसका नाम नेम है वॉल्टर। वो कह रहा है कि आई एम ऑल्सो इन क्यूरियस बट आई सपोज वी कैंट डू एनीथिंग अबाउट दिस। ये कह रहा कि मैं भी क्यूरियस हूँ इसके जानने बारे में कि हॉस्पिटल में ऐसा क्या हो रहा है, बट ये बंदा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आगे देखते हैं कि स्टोरी क्या कह रहा है। Actually, I was planning to talk to you about this. I am on new research. Okay, ये कोई तो ऐसा research कर रहा है। I found another hospital which connected to events on hospital that night and I went to visit the hospital. No, but if I can't figure out what happens, I will be lunatic. I want to speak your help one more time. You are the only person to solve these events with me. Are you insane? I don't know Malaysia, this is too dangerous, but I am also in curious. भाई हॉस्पिटल में कुछ तो चल रहा है, और एंड में कह रहा है कि आई विल गो देयर अलोन। ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर यू। अभी भाई मजा तो आने वाला इस गेम में, मुझे इतना समझ में आ गया। टू एक्सेस सीक्रेट फाइल्स गो इन टू हिज हॉस्पिटल। ओके, पहला हिंट मुझे दे दिया गया। भाई ये कौन है भाई, चुड़ैल जैसा? भाई स्टार्टिंग में ही चुड़ैल दिखाएगा क्या? वैसे ये मलेशिया है क्या? मतलब चुड़ैल नहीं होगा शायद से, ये स्टार्टिंग में ऐसे चुड़ैल नहीं दिखाएगा भाई मेरे ख्याल से। मैं जिस ओके ठीक है कोई नहीं, इस दीवार के आर पार मैं हो सकता हूँ, काश मैं भूत ना हूँ और कुछ नहीं। बाकी हाँ, जिस बंदी का मैं बात कर रहा था वो लड़की ये है, इसका नेम है मलेशिया, और मेरा कैरेक्टर का नेम है क्या नाम था उसका, मैं भूल गया, जो भी हो। बट ये कह रहा है कि ये हॉस्पिटल के अंदर कुछ तो हो रहा है अलग चीज़ जिसको मुझे सॉल्व करना है, देखना है कि क्या हॉस्पिटल का अंदर हो रहा है। बट भाई मेरे मुझे एक बात पूछना है कि ये मलेशिया भाई मुझे बुलाने के लिए कहाँ लेकर आया भाई? इसका माहौल इधर का देखो, जैसे इधर बाइक से आया हूँ मैं इधर, भाई इधर देखो ये सारे के सारे पेड़ है भाई, पेड़ का हालात एक बार देखो भाई। और भाई सामने ये क्या, ये बोलना मत कि यही हॉस्पिटल है और मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा भाई। ये मतलब क्या, ये इधर का सीन क्या है भाई? और रात में कौन बुलाता है? वैसे बोल रहा था कि नाइट में आ रहा है, तो नाइट में आ रहा है तो रात में ही बुलाएगा ना। वैसे साइड से मुझे अभी इसके अंदर जाना पड़ेगा। ठीक है, जाकर देखते हैं कि क्या होता है। लेट्स गो, मजा तो आने वाला है। बट उस सेकंड, पीछे वाला दरवाजा बंद हो गया क्या? ओ ओ माय गॉड भाई, स्टार्टिंग में ऐसे पॉसिबल भाई? क्या दरवाजा अचानक से बंद हो गया और मेरे सामने कोई तो भूत आ गया था। बट खैर जो भी हो, मेरा टास्क ये है कि मुझे हॉस्पिटल के अंदर जाना पड़ेगा भाई। और ये कौन सा जमाने का हॉस्पिटल है भाई? ये भाई हॉस्पिटल से ज़्यादा मुझे कोई भूत बंगला लग रहा है। खैर छोड़ो, मैं हॉस्पिटल के अंदर चलता हूँ। डोर लॉक्ड, यू मस्ट फाइंड। भाई अभी से इन लोगों का चालू हो गया, अभी मुझे हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए मुझे चाबी ढूंढना पड़ेगा। मलेशिया तू कौन सा मतलब चीज़ है, मुझे पहले चाबी देकर क्यों नहीं भेजा? मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल के अंदर चला जाता, अभी मुझे चाबी ढूंढना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ से मुझे चाबी मिलेगा, बट ढूंढते हैं। बाकी हाँ भाई, ये मतलब भाई इधर का माहौल ही मुझे ज़्यादा डरा रहा है भाई। अभी इधर का भूत कैसा होगा मुझे कोई आइडिया नहीं। बाबू क्या है भाई ये, ऐसा मत करो यार। इधर से डब्बा, बाकी इधर से डब्बा किसने फेंका?
मैं ढूंढने आया था चाबी। सामने एक घर है, उसके अंदर मैं जा सकता हूँ क्या? मैं एक बार ट्राई करता हूँ उसके अंदर जाने की। ऑलराइट, शायद से तो मैं इस घर के अंदर घुस सकता हूँ। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा भाई। क्या ये इधर बैठ वाके भाई, क्या सीन है? बट मुझे कोई उससे मदद नहीं, मुझे चाबी चाहिए और मुझे चाबी मिल चुका है। तो मैं फटाफट से चाबी को लेके मैं चलता हूँ उस हॉस्पिटल के अंदर और देखते कि क्या भाई इधर से कोई था क्या। मुझे ऐसा लगा कि इधर से अभी कोई तो गया है, बट पता नहीं भाई इधर कुछ भी हो सकता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई इधर क्या। बिहाइंड यू, अरे नहीं, ये कौन है भाई? ये कौन है भाई? क्या ये मतलब ये मुझे मार रहा है भाई? नहीं, क्या था ये? अभी मैं भागने वाला हूँ फूल, क्योंकि पीछे से कोई तो आने वाला है। मैं देखने नहीं वाला कि पीछे से कौन आ रहा है, मैं सीधा भाग रहा हूँ। बस मेरे पीछे वो जॉम्बीज है मुझे पता है, तो मैं जा रहा हूँ डायरेक्ट। मुझे देखना नहीं है भाई, फिर भी एक बार देख लूँ। ओ नहीं, पीछे देख, मुड़ूंगा तो मैं मर जाऊंगा। पीछे नहीं मुड़ना, डायरेक्ट हॉस्पिटल के अंदर मैं जाना चाहता हूँ। बट मेरे पीछे ही साइड से वो पड़ा हुआ है भाई। प्लीज़ भाई, मैं इधर अटक गया था। मुझे कहीं पर अटकना नहीं है, डायरेक्ट हॉस्पिटल के अंदर घुसना है। प्लीज़ लेट्स गो। मैं हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गया हूँ और अभी मुझे कोई पहले तो हिंट दिया गया कि सीक्रेट फाइल कैन बी ऑन दिस फ्लोर और लोअर फ्लोर। टू एंटरिंग लोअर फ्लोर यू नीड ए डिफरेंट की। ओके, सीक्रेट कोई तो सीक्रेट फाइल है जो कि मुझे लोअर फ्लोर पे मिलेगा, बट उसके लिए मुझे कोई सीक्रेट चाबी चाहिए होगा। बट भाई ये साउंड कैसा आ रहा है भाई? यार ये हॉस्पिटल का दरवाजा भी बंद हो गया और मैं बाहर जा सकता हूँ अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। ये हर गेम का ये सीन है, बट इधर एक दरवाजा है, इसको मैं ओपन नहीं कर सकता, बहुत बड़ी भाई। तो फिर दरवाजा दिया ही क्यों? खैर इधर एक कोई तो दरवाजा ऐसे चमक रहा है, शायद से इसके अंदर मैं जा सकता हूँ। एक बार ट्राई करता हूँ जाने की। डोर लॉक्ड, यू मस्ट फाइंड टू की। ठीक है, ये वाला दरवाजा ओपन होगा? बिल्कुल नहीं भाई। हर गेम का सामने से कोई तो गया है। मैंने देख लिया, मेरे से तो छुप नहीं सकता। मैंने देख लिया कि इधर कोई तो भाई। क्या मतलब क्या सीन है ये? मैं आगे गया और सामने से कोई तो आया और आया मुझे पकड़ लिया, बट ये वाला दरवाजा ओपन होने वाला है भाई? इतना साउंड, इतना भाई कसम से ये कुछ ज्यादा ही डरावना हो रहा है भाई। ऐसा इतना भी डरावना जरूरत नहीं है भाई, थोड़ा सा सबर करो यार। इतना ज्यादा डर भाई, अगर तुम लोग हेडफोन लगाकर ये गेम प्ले देख रहे हो ना, तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि मुझे भाई मेरा कितना ज़्यादा फट रहा है इस गेम को खेलने में। भाई मैं कह रहा हूँ कि एक बार हेडफोन लगा लो, बाकी सामने से कोई तो अभी चुड़ैल जैसा आने वाला है, बट मुझे जाने में सामने इसीलिए तो डर लग रहा है। बट फिर भी मैं क्या करूँ, मैं भागू? ओ मुझे ये करना था कि दोनों साइड पर मुझे ऐसे टैप टैप करना था तो वो भाग जाता, बट खैर मैंने अभी उसको छुड़ा लिया है। बाकी ये वाला दरवाजा ओपन होगा? यस, ओपन तो हो रहा है। बाकी अंदर, ओहो ठीक है, हॉस्पिटल का सीन है। इधर हॉस्पिटल का बेड है, इसके अंदर क्या है? इधर हाथ का साइन आ रहा था भाई। ये दरवाजा बंद हो गया या फिर मैंने कर दिया, पता नहीं, जो भी हो छोड़ो उसको। बट इधर काफ़ी सारा हॉस्पिटल का जो बेड होता है वो पड़ा हुआ है। बट बाकी इस रूम के अंदर मुझे कुछ खास मिल नहीं रहा, कुछ खास वैसे चीज़ दिखाई नहीं दे रहा। खैर इसके अंदर तो कुछ नहीं मिला मुझे, बाकी रूम को भी मैं फटाफट से चेक कर लेता हूँ कि बाकी रूम से मुझे कुछ मिलता है कि नहीं। नहीं, मेरे पीछे तो नहीं आ रहा। What is this? भाई क्या था वो? लेफ्ट साइड पे गया है भाई। नहीं मैं अगर ओहो ठीक है, अभी कोई नहीं है इधर। इधर दो कमरा है और सामने भी बहुत सारा कमरा है, तो अभी मैं इसके अंदर जाकर ट्राई करता हूँ। ओ ये तो ओपन ही नहीं होगा। खैर ये ओपन होगा? बिल्कुल नहीं, ये भी ओपन नहीं हो रहा भाई। तो फिर दरवाजा ओपन नहीं, लेफ्ट साइड पे कोई तो गया है। बाकी मैं अभी ट्राई करता हूँ सारे के सारे दरवाजे को ओपन करने की। खैर इसके अंदर कुछ है खास सामान जो मेरा काम का है? ठीक है, इसके अंदर तो मुझे वैसे खास सामान दिखाई नहीं दे रहा, और इस घर के मैं उस पर जा भी नहीं सकता, कंफ्यूज कर रहा है मुझे। बाकी ओ भाई क्या ये इतना ज़्यादा भाई, क्यों मतलब नहीं चाहिए इतना ज़्यादा डर मुझे। बाकी इधर से मुझे चाबी मिल चुका है, लेट्स गो भाई, मुझे चाबी मिल गया। मैं अभी भागता हुआ जा रहा हूँ और राइट साइड पे कोई तो गया है, बट मैं फिर भी जाना चाहूँगा राइट साइड पे ही, क्योंकि मैंने जो दरवाज़ा देखा था फर्स्ट टाइम ही, वो उस वाले दरवाजे को मुझे ओपन करना है जो कि सामने ही है। तो मैं जल्दी से भागता हुआ जाता हूँ और मेरे पीछे से अगर कोई आएगा नहीं, एक लात मारूंगा मैं, सच कह रहा हूँ।
अब बाकी इस दरवाजे को अभी ओपन करते हैं। फाइंड द फाइल्स। ओके, मुझे नेक्स्ट हिंट तो मिल चुका है कि मुझे कोई तो फाइल्स ढूंढना पड़ेगा। बाकी पहले मैं काम करता हूँ, ऊपर चलकर देखता हूँ कि ओ मैं ऊपर जा ही नहीं सकता, तो फिर सीढ़ी देने की जरूरत क्या थी ऊपर अगर मैं जा नहीं पाऊंगा तो। खैर चलो मैं नीचे जाकर देखता हूँ कि नीचे का हालत कैसा है। आगे भाई इधर का सीन ना कुछ ज्यादा ही डरावना हो रहा है भाई। बके भाई इधर एक लड़की रो रहा है, शायद से ये कौन हो सकता है भाई। इसका मैं हेल्प करूँ या फिर ना करूँ भाई, मुझे डर लग रहा है सच करो। बाकी ये लड़की रो रहा है तो मेरे ख्याल से इसको हेल्प करना चाहिए। बाकी ओ नहीं भाई, ये अचानक से भूत बन गया और ये गायब भी हो गया भाई। इसलिए मैं कहता हूँ इसका मतलब किसी रोती हुई लड़की की भाई कभी हेल्प करने मत जाना, कब वो चुड़ैल बन जाएगा और तुम्हें ही खा लेगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। भाई मैं तो बच गया हूँ कि मैं मतलब पीछे आ गया। खैर पर भाई ये भाई क्या है, ये कौन है भाई, ये कौन है भाई, ये कुछ तो खा रहा है इधर भाई। तू कौन है भाई, क्या खा रहा है, और तू वो खाता रहे, मेरे को कुछ मत बोल। तू भाई खा, तू खाते जा हाँ ठीक है, बस ये मेरे को खाएगा तो नहीं, मैं पास जाकर देखेगा भाई। तू मुझे मत खा, और कुछ नहीं भाई, ये चबड़ 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 करके क्या खा रहा है भाई, इसके अंदर क्या है भाई। तू खाता रहे, तू आराम से खा, तुझे मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बस तू मुझे मत डिस्टर्ब कर और कुछ नहीं। बाकी मैं देखता हूँ कि सामने से भाई ऐसा मुझे बार बार लग रहा है कि सामने से कोई तो जा रहा है। क्या अरे इस रूम के अंदर कुछ है क्या, इधर तो वैसे खास मुझे कुछ दिख नहीं रहा, इधर कुछ है। बाकी इधर के साइड पे एक और रूम है, इसके अंदर भाई कौन फेंक रहा है, ये कौन फेंक रहा है पहले ये बताओ मुझे। ये फ्रिज इधर के साइड पे था, इस कमरे के अंदर कोई नहीं है, फिर भी किसने फेंक दिया पता नहीं यार भाई। इतना क्या जरूरत है, इतना ज़्यादा करने की क्या जरूरत है भाई, कसम से यार ये कुछ ये अभी ना कुछ ज़्यादा हो रहा है, अभी कुछ ज़्यादा हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए था। बाकी ये वाला दरवाजा तो पहले से ही ओपन है। बाकी इधर के साइड पे एक और दरवाजा है जिस जो कि खाली है, ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है। बाकी इस रूम के अंदर मुझे पता नहीं, जाने में थोड़ा सा ज़्यादा डर लग रहा है, तो अभी ये इसके अंदर मैं लास्ट में जाने वाला हूँ। बाकी इधर दो और कमरा है, इसके अंदर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर कुछ है कि नहीं। खैर इसके अंदर ये क्या है, होम थिएटर है क्या भाई, ये होम थिएटर जैसा लग रहा है, बट उसको मैं पिक नहीं कर पा रहा, ठीक है। इसके अंदर तो कुछ नहीं मिला खास सामान मुझे, बट इधर एक दरवाज़ा है जिसके अंदर मैं बाद में जाऊंगा, बट पहले इसको चेक करूंगा नहीं, और इसके अंदर अभी मैं जाता हूँ। फाइंड द फाइल्स। ओके, मुझे कोई तो ऐसे फाइल्स ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद मैं जा पाऊंगा। खैर ठीक है, ये होना ही बाकी था भाई, मुझे अभी कोई फाइल्स ढूंढना पड़ेगा जो कि उस लड़की को चाहिए होगा। बाकी भाई इतना ज़्यादा साउंड किस बात का, आगे जाओ, मुझे आगे जाने में ही डर लग रहा है भाई इतना ज़्यादा। बाकी इधर कुछ तो साइन आ रहा था, मैं आगे चलूँ भाई। मुझे ना मुझे कुछ मिला क्या, मुझे फाइल्स मिला, लेकिन एक सेकंड एक चीज़ हो सकता है कि मैंने ना, ये देखो मैं कह रहा था ना कि इधर कुछ तो मैंने देखा था जो इसको मैं पिक कर सकता हूँ, और मैंने फाइल्स अभी ले लिया है। इस फाइल को ले जाकर फटाफट से मैं उस लड़की को दे देता हूँ। ले भाई मैं फाइल्स लेकर आ गया हूँ, अभी तू फाइल्स ले और दूसरे हॉस्पिटल पे चले जा। और मुझे एक बात बोला है कि अभी पीछे से आकर कोई धप्पा करेगा ना, मैं इसको ऐसा एक रैपट मारूंगा ना कि उसको समझ में आएगा कि मेरे से पंगा लेना क्या होता है। बाकी भाई एक फाइल्स के लिए इतना ज्यादा ड्रामा क्यों, तू क्यों करता है भाई, तू इतना ज्यादा ड्रामा करने की क्या जरूरत है। बाकी तू फाइल्स ले फटाफट से और मुझे जाने दे भाई। इसीलिए कहता हूँ कि भाई किसी लड़की के चक्कर में मत पड़ो यार, तुम्हें वो फंसा देगा भाई एक फाइल्स के चक्कर में, मेरा जो हालत खराब किया है ना। बाकी भाई ये कौन था, भाई क्या हो रहा है इधर, भाई इधर मैं कह रहा हूँ सच में इस सिटी में ना जॉम्बीज अटैक हो गया है, तुम मानो या फिर ना मानो भाई, यो मतलब क्या क्रिएचर था वो भाई, भूत जैसा, मतलब भाई वो बंदा तो बंदी तो कह रहा था कि इधर भूत ही है। खैर मैं अभी बाइक से कहीं पे तो जा रहा हूँ, और सामने कोई था जिसको मैंने ठोक दिया है और मैं भी गिर गया हूँ, और पता नहीं भाई आगे क्या होने वाला है। ठीक है भाई मैं अभी कहीं पे तो पहुँच गया हूँ भाई, कि कोई तो सामने मेरे सामने आया जिसको मैंने बुरी तरह से ठोका है, और मैं इधर बुरी तरीके से गिर गया हूँ। और भाई ये जो लड़की था इसका क्या, ओके हाँ भाई इधर जो लड़की था इसका क्या हुई, ये तू तो ठीक है ना भाई, मिले इससे ओके। वेल टेड आई इंजर्ड एंड डोंट फील गुड, आई हैव टू रेस्ट इन अ केबिन इन द वुड्स। ठीक है भाई तू अभी चल रेस्ट करने में इस घर के अंदर, ये थोड़ा सा मुझे सेफ लग रहा है, सेफ एरिया लग रहा है।
बाकी इसके अंदर चल भाई, इसके अंदर चल, मैं क्यों नहीं जा पा रहा इसके अंदर? ये तो चला गया वाल्टर मलेशिया इंजर्ड, आई हैव टू हेल्प हर। ठीक है ठीक है, इसका मुझे हेल्प करना पड़ेगा अभी। बाकी यू हैव टू फाइंड फास्ट एड किट। ओके ठीक है, मुझे अभी फास्ट एड किट ढूंढ के इसके लिए मुझे लेकर आना पड़ेगा। बाकी इसका भाई हालात कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया है, तो मुझे ना फटाफट से कोई तो फास्ट एड किट ढूंढ के मुझे उस मलेशिया का हेल्प करना पड़ेगा। वाल्टर आई थिंक देयर इज ए गैस स्टेशन इन देयर, मे बी आई कैन फाइंड सम स्टाफ एट गैस स्टेशन। हाँ भाई, इधर एक गैस स्टेशन जैसे मुझे दिखाई दे रहा है, और सामने एक और बंदा गिरा हुआ है जिसका हालत मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, और सामने मुझे एक गान भी वैसे दिखाई दे रहा है। इसको मैं माइक प्लीज हेल्प, टेरिबल थिंग्स हैपेंड, टाउन डॉक्टर हैज लॉस्ट हिज माइंड एंड ही टर्नड एवरीवन इनटू अ क्रिएचर। भाई साहब, ही इज हिडिंग इन द बिग टनल अंडर द हाउस, दैट टनल मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ विद द गन। भाई ये बंदा कह रहा है कि इधर कोई तो डॉक्टर है जो कि सन के टाइप का है, एंड वो अभी सबको कोई तो क्रिएचर में कन्वर्ट कर रहा है जो कि सबके ऊपर अटैक कर रहा है, और उसने मुझे, इस बंदे ने मुझे एक गान दिया है ताकि मैं उस क्रिएचर से प्रोटेक्ट कर सकूं, एंड उस डॉक्टर को भी मैं उड़ा सकूं। बाकी मैं कैसे उस सन के डॉक्टर के हाथों से इस सिटी को बचाने वाला हूं, ये जानने के लिए वीडियो को एक लाइक करके नीचे एक सब्सक्राइब बटन आ रहे उसको दबा दो, ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट तुम लोगों के पास सबसे पहले चले जाए। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और हॉरर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।